क्या गुंडोजा चल रहा है? गुंडोजा चले फांसी लाए बस। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शनिवार को मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला और अब बाकी संपत्तियों को चिन्हित कर उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच मोहित खान के बचाव में उसका परिवार आगे आया है। परिवार का कहना है कि मोहित को सपा नेता होने की वजह से गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उसके परिजनों के मुताबिक लड़की और बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी राजू खान एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसमें मोहित का कोई रोल नहीं। इस बीच पीड़िता की मां ने सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जान से मारने तक की धमकी देने की बात कही है। वहीं पीड़िता का मां का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। आपने कोई मांग किया, उन लोगों ने कुछ कहा? हाँ, मांग किया, गुंडोजा चलता है, गुंडोजा चले फांसी लाए बस। मतलब जो घटना हुई ये बहुत दर्दनाक घटना है, इसमें मेन आरोपी कौन था, कितने लोग थे? मोहित खान और राजू। अभी भी कोई धमकी वगैरह आप लोग को मिल रही है? भदरसा के लोग धमकी दे रहा है। अच्छा, कौन भदरसा के लोग? गांव के लोग हैं या कि उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं? वहीं एक गांव है, सब हम नहीं चिन्हित। मुस्लिम लोग हैं? क्या कहते हैं वो? मार डाल बहाय दिया, मार के ही सब कहा थे। अच्छा, तो इससे शिकायत पुलिस से आपने बता दिया पूरी बात? अरे यार, हाथ छोड़ दिया, हटाओ। पुलिस को बता दिया? हमने बताया। तो क्या आप क्या चाहती हो? आप कुछ ना कार्रवाई होनी चाहिए। कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई माताजी, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? बता दें कि सपा नेता मोहित खान और राजू नाम के एक शख्स पर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के आरोप है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है। मामले में दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहित खान भदरसा में सपा का नगर अध्यक्ष है, जिसके खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसकी बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। साथ ही इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं सपा इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।